गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं उड़ीसा और अभी हम चक्रधर नगर से निकल रहे देख सकते हो और हम अभी जाएंगे कनकतुरा। कनकतुरा से दोस्तों एक गांव है वहां पर बहुत ही प्यारा लोकेशन है, तो चलिए चलते हैं और आपको घुमाते हैं आज उड़ीसा। अभी हम देख सकते हैं चक्रधर नगर से जाते हुए रोड के किनारे मार्केट वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी मार्केट वगैरह लगे हुए। तो अभी हम जा रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से टीवी टावर से अपना मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए चलेंगे, तो ये सिग्नल चौक आ गया, सिग्नल चौक से अपने को जाना है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर कबूतर को सब खाना खिलाने आते देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं। बाकी अपना धन्ना बहुत दिनों बाद शॉर्ट राइड के लिए तैयार है, सर्विसिंग वगैरह कराना पड़ेगा, सर्विसिंग थोड़ा कम है तो सर्विसिंग कराने के बाद लॉन्ग राइड का सोच रहे हैं, बाकी शॉर्ट राइड अभी करते रहेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, चलिए चलते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट मार्ग है दोस्तों, चलिए चलते आगे। सो गाइस देख सकते हो हम हैं रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में और यहाँ से अभी जा रहे हैं हम, तो यहाँ से मेडिकल कॉलेज है देख सकते हो और यहीं पर हॉस्पिटल भी आ चुका है, तो हॉस्पिटल यहीं पर है देख सकते हो। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं, जस्ट कॉलेज और मेडिकल एक ही जगह है यहाँ पर। और कुछ इस प्रकार से रोड है कनकतुरा का देख सकते हो, जो कि 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। और नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर रायगढ़ का, तो मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज पूरा आप देख सकते हो इसी साइड है। और रोड बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हो रोड कुछ इस प्रकार से व्यू है, तो रोड बहुत ही मस्त है। बाकी चलिए चलते हैं दोस्तों, आज का राइड को कंप्लीट करते हैं, पेट्रोल फिल वगैरह करा लिए हैं और चलिए एंजॉय करते हैं आज नेचर व्यू का। एक ताल यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और कनकतुरा लगभग मेरे ख्याल से 17 से 20 किलोमीटर होगा। चलिए चलते हैं। सो फाइनली गाइस हम उड़ीसा में इंटर कर चुके हैं रायगढ़ से, अब हम उड़ीसा आ चुके हैं हम देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रोड है उड़ीसा का और जस्ट पिछला में आपका जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग है। सो गाइस हम कनकतुरा से निकल गए हैं देख सकते हो और अभी हम भिकमपल्ली जाएंगे, फिर पदमपुर जाएंगे, तो वहाँ पर पदमपुर डांगा घाट है, डोंगा घाट बोलते हैं जिसको, उड़िया में डांगा घाट बोलते हैं, तो इधर ही जाना है अपने को। तो वहाँ पर बहुत सारे जगह है जो पत्थर शनि वगैरह भी जाता है यहाँ से, तो चलिए चलते हैं। 2-3 जगह आज कवर करने का प्लान करते हैं आए हैं तो। और यहाँ से डोंगा में नाव में भी पार किया जाता है गाड़ी को, तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं देख सकते हो आपका भिकमपल्ली की ओर, फिर वहाँ से जाएंगे पदमपुर साइड। तो बहुत ही अच्छा रूट है दोस्तों, रोड तो बहुत ही प्यारा है देख सकते हो, ब्रेकर भी कम हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम भिकमपल्ली के आसपास देख सकते हो जाते हुए उड़ीसा में, और कुछ इस प्रकार से रोड आएगा जब आप आओगे तो। तो अभी हम जा रहे हैं डोंगा घाट की तरफ और ये घाट बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, देख सकते हो कई लोग यहाँ पर बर्थडे वगैरह मनाने के लिए आते हैं। और उड़ीसा का रोड का कहना ही कुछ और है दोस्तों, लाजवाब है। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं डोंगा घाट पदमपुर में और चले नाव वगैरह में घूमने का देखते हैं। और हमारे राइडर पिंटू सर इधर, और व्यू देखिए कितना प्यारा रहे नाव के साथ, और यहाँ पर पावर मतलब पानी टंकी का प्लांट बन रहा है आसपास, नाव वगैरह में घुमाते तो बात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बाकी उड़िया लोग 2 लोग हैं, अंकित और पिंटू, तो लोग फुल उड़िया में बात चल रहे हैं, बाबा गोठिया रहा है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। सो गाइस हम हैं पदमपुर में और ये रायगढ़ से लगभग आपको 30 से 34 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं और यह हीराकुंड डैम का पिछला हिस्सा है दोस्तों। अभी देख सकते हो यहाँ पर हम लोग नाव में जा रहे हैं घूमने के लिए आसपास टापू वगैरह को, साथ में पिंटू भाई और इधर अंकित, आज नाव का मजा दिलाते हुए इन लोग को। और चलिए चलते हैं दिखाते हैं आसपास सभी को।
यहाँ से आप घूम सकते हो नाव में, ये देख सकते हो, वाओ यहाँ से देख सकते हो, वाओ बहुत ही प्यारा जगह है। और इधर देखिए सामने क्या मस्त जगह है यार, चलिए आपको लेकर चलते हैं घुमाते हैं आसपास व्यू को। यहाँ से देख सकते यार, देख सकते हैं यहाँ से मंदिर को, ये पूरा टापू है दोस्तों, देख सकते हो वहाँ वो वाला मंदिर में ले जाओ भी हो नहीं ले जाएगा वो, बस हो गया तक घुमा वापस। तो फाइनली गाइस हम हैं पदमपुर के, यहाँ पर पदमपुर गंगा घाट में जो गंगा घाट बोलते हैं, और यहाँ पर अपना नाव आ चुके हैं जो हाथ से चलाने वाले हैं, और इसी से हम लोग जा रहे हैं आसपास के जो छोटे छोटे टापू है वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं आसपास को कैसे दिखता है टापू का मजा लेंगे। और पीछे में दिख रहा है यहाँ पर जो टापू है वहाँ पर पहले जाएंगे, फिर आसपास जितना भी मंदिर वगैरह दिख रहा है यहाँ पर वहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, और पिंटू और अंकित चला गए हैं, चलिए जल्दी से चढ़ते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो ये है एक छोटा सा आइलैंड दोस्तों जहाँ पर हम आ चुके हैं, इसे मिनी आइलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो, और अंकित हमारा फुल्ली चश्मा लगा के टोपी लगा के पानी का मजा लेते हुए नाव का, और ये छोटे लोग हमारे नाव को स्पेशल चलाते हुए चलिए मजा कर रहे हैं हम लोग, और ये छोटा सा टापू में चले चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पदमपुर के डोंगा घाट में नाव में, ये हाथ का नाव है, पहले जो गए थे वो स्पोर्ट बोट था मतलब मोटरसिन वाला, ये हाथ से चलने वाला है। और ये लोग घुमा रहे फुल्ली, देख सकते हो यहाँ से भाई लोग फुल्ली चलाते हुए नाव को, और ये मज़ा लेते हुए हम लोग। और यहाँ पर अंकित देख सकते हो चश्मा भी टोपी लगाकर बैठा है, ये देख सकते हो शर्मा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और बाकी यहाँ पर छोटा सा टापू दिखा रहा हूँ आपको, पता है इसका रेसिंग होता है। सो गाइस आप देख सकते हो ये पर जगन्नाथ मंदिर है, जब आप पदमपुर में नौका विहार करोगे तो यहाँ पर आपको घुमाया जाता है, यहाँ पर ये जगन्नाथ मंदिर है आप देख सकते हो। उतरना भी रिस्की है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, बाकी थोड़ा दिन और गर्मी के समय आओगे तो ये पूरा सूखा रहता है, तो यहाँ पर आप घूम सकते हो। ये देख सकते हो जगन्नाथ मंदिर कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये, और 100 साल से भी पुराना मंदिर है दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, अंदर में जा नहीं सकते क्योंकि इस प्रकार से देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर। और हम नाव में आए हुए हैं देख सकते हो, यहाँ से बहुत प्यारा, इधर से नाव चलते हुए अपना, और ये चलिए और सीधी यहाँ से मंदिर से चलते हैं। सो भाई देख सकते हो हम जैसे नाव में आए हुए हैं, अपना नाव यहाँ पर खड़ा हुआ है, और नाव के बाद हम यहाँ पर जो टापू के बीच में मंदिर है आपका, ये आपका मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं, देख सकते हो ये समलई मंदिर है ना पिंटू, समलई सुन लो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से गिरा हुआ मंदिर दोस्तों, ये टूटा हुआ पूरा देख सकते हो, मंदिर टूट गया आसपास, ये पूरा मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं, खतरनाक जगह है। और ये देख सकते हो यहाँ पर पिंटू भाई है जो मंदिर के अंदर खजाना खोज रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से मंदिर के अंदर पूरा। सो गाइस देख सकते हो हम पदमपुर के जो टापू है इसमें घूम रहे हैं, और ये घास पे हम चल रहे हैं, देख सकते हो भी खुले पैर है, हम ये पैर खुला है अपना, और खुले पैर हम ये टापू के अंदर घूम रहे हैं। यहाँ पर देख सकते इमली का पेड़ है यहाँ, और यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, ये क्या हो यार टापू में देख सकते हो इतना अच्छा जगह, यहाँ पर आकर कोई पार्टी वार्टी भी किए हैं आसपास देख सकते हो, पिकनिक वगैरह भी किए हैं कई लोग। और ये इमली का पेड़ है बहुत ही पुराना अनएक्सप्लोर्ड जगह है, लेकिन गांव वाले देख सकते हो, और ये जगह अनएक्सप्लोर है दोस्तों अभी के डेट पे, और हम पूरे यहाँ पर गाँव वालों को ही पता है, आसपास के लोग यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आकर देख सकते हो यहाँ पर चूल्हा वगैरह भी बना हुआ है, पिकनिक वगैरह कर सकते हो, बाकी चारों तरफ टापू है, पानी से घिरा हुआ जगह है दोस्तों। चलिए और भी आपको लेकर चलते हैं, देख सकते हो यहाँ पर पिंटू भाई सब भाई लोग आए हुए हैं नौका के साथ, तो नाव हमारा वहाँ पर छूटा हुआ है, मैं दिखाया हूँ, बाकी जंगल टाइप का बहुत फीलिंग आ रही है, इतना घास ज़्यादा है यहाँ पर। सो गाइस फाइनली हम घूम चुके हैं पदमपुर नौका विहार, और यहाँ पर आओगे तो बहुत ही प्यारा आपको आइलैंड वगैरह देखने को मिल जाएगा, बर्ड वॉच करना है तो बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। तो अभी हम फाइनली जहाँ से गए थे वहाँ आ चुके हैं,
चलिए मिलते हैं ऐसे नए नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।